Hello dear children, welcome to my EVS video class for 29th November 2021. I'm sure children you all are keeping in good health. Do take very good care of yourself, keep on following all the COVID protocols, keep on taking all the safety precautions and stay happy, healthy and safe children. And at the same time, be regular with your classes also. Classes regularly attend करो और अपना work time पे complete करते रहो. ठीक है, EVS में थोड़ा written work होता है, आप नहीं करोगे तो आपको ही problem होगी. Okay? Chapter number 14 we are doing and previous class में हमने question answer start किया था. Okay? So as you all know कि मैं EVS में एक्स्ट्रा वर्क कराती हूँ, जितने क्वेश्चन आंसर से मैं अक्सर उनसे ज़्यादा कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराती हूँ. तो वी हैव डन 3 क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने 3 क्वेश्चन आंसर्स किए थे. 2 क्वेश्चन आंसर्स आर फ्रॉम द बुक, एक मैंने एक्स्ट्रा अपने से कराया था. ठीक है, हमने जो क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि ड्रॉ अ प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट. सिंस EVS में ड्रॉइंग आती है एग्जाम में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है कि एक प्लांट को ड्रॉ करके उसके पार्ट्स को लेबल करना है, मतलब उसके जो मेन 6 पार्ट्स जो हमने लिखे हैं क्लास में उसके आपको नाम लिखने हैं. फिर हमने किया था कि नेम द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं. एंड फिर हमने किया था नेम द फूड ग्रुप्स वी गेट फ्रॉम प्लांट, मतलब प्लांट से जो हमें फूड ग्रुप्स मिलते हैं उसके नाम लिखने हैं. तो हमें कौन कौन से फूड ग्रुप्स मिलते हैं, वी गेट फ्रूट्स, वी गेट वेजिटेबल्स, वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस. ठीक है, सो दीज आर द मेन फूड ग्रुप्स दैट वी गेट. अभी फ्रूट्स में बहुत तरह के फ्रूट्स हैं, पल्सेस में बहुत तरह की पल्सेस हैं, ड्राई फ्रूट्स में बहुत तरह के मेवे जिसको हिंदी में कहते हैं. तो वी हैव डन 3 क्वेश्चन, नाउ 2 मोर आर लेफ्ट. ठीक है, 1 इज फ्रॉम द बुक और एक मैं अलग से करवा रही हूँ. ओके, सो अब उसके बाद से 3 तक कर लिए, 4 से मैं स्टार्ट करूंगी. तो राइट डेट एंड क्लास वर्क. अभी आप सिंस यू हैव ऑलरेडी रिटन द नेम ऑफ द चैप्टर, नंबर ऑफ द चैप्टर वंस, सो देयर इज नो नीड टू राइट इट अगेन. ठीक है, तो आज का जब आप वर्क स्टार्ट करोगे तो सिर्फ आप डेट लिखोगे एंड क्लास वर्क. ठीक है, यू जस्ट राइट डेट एंड क्लास वर्क, यू डोंट नीड टू राइट चैप्टर 14 एंड प्लांट्स अराउंड अस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन वंस. हाँ, ऑफकोर्स जिसने अगर क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक कुछ नहीं किया है तो फिर तो मैं नहीं कुछ कह सकती उनके लिए. तो ठीक है, तो मैं अज्यूम ऐसा करती हूँ, आई बिलीव दैट यू ऑल हैव. इसके पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने बहुत सारे करवाए हैं, तो आई सपोज दैट यू हैव रिटन दोस फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो एंड 3 क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव डन इन द क्लास. तो उसमें आपने ऊपर चैप्टर नंबर भी लिखा होगा एंड चैप्टर का नेम भी लिखा होगा, सो देयर इज नो नीड टू राइट चैप्टर नंबर एंड नेम अगेन, जस्ट डेट एंड क्लास वर्क. क्वेश्चन 3 वी हैव डन. नाउ फोर्थ इज क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स राइट देयर नेम्स विथ TWO2 एग्जाम्पल ऑफ each. Now children, this question is also not there in your book. ये question भी आपकी book में नहीं है. ठीक है, ये मैं अपने से करा रही हूँ. So please write it. Question answer सारे copy में लिखोगे. This is your notebook work. The question is what are the different types of plants? Write their names with 2 examples of each. अलग अलग तरह के कौन कौन से plants हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं with 2 examples of each. दैट मीन्स आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स के नाम लिखने हैं और हर एक तरह के प्लांट का 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देने हैं. ओके, सो आंसर इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, द डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट
द डिफरेंट नहीं बेटा, ओनली डिफरेंट. What are the different type of plants? Answer DIFFERENT. Different type of plants are. You just have to write the name. ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, उनके बारे में नहीं लिखना है. ठीक है, you just have to write the name of the type. और सबके दो दो example. ठीक है, ट्रीज लिखा तो बस ट्री एंड टू एग्जांपल्स. व्हाट आर ट्रीज, बिग ट्रीज आर कॉल्ड ट्री, ये सब नहीं लिखना है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर, फर्स्ट क्या है, एच ई आर बी एस, हर्ब्स एंड टू एग्जांपल्स. दो एग्जांपल्स सबके लिखने हैं, तो वेरी कॉमन एग्जांपल है सी ओ आर आई ए एन डी ई आर, कोरिएंडर एंड मिंट. ठीक है, different type of, what are the different types of plant, different types of plants are, मतलब विभिन्न अलग, different का मतलब है अलग अलग. तो अलग अलग तरह के plants हैं, पहले herbs, coriander, mint, then फिर हमने क्या पढ़ा था, s h r u b s, shrubs. shrubs के मुझे दो example कौन बताएगा, tell me two examples of shrubs. we can write rose, we can write hibiscus. ठीक है, shrubs में रोज एच आई बी आई एस सी यू एस, हिबिस्कस. ठीक है, देन थर्ड इज ट्री, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज. ट्रीज में वी कैन राइट मैंगो, वी कैन राइट नीम ट्री. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स ऑल्सो, तो मैं उनके भी नाम लिखूंगी. सी एल आई एम बी ई आर एस, क्लाइंबर्स. एंड फिफ्थ इज सी आर ई ई पी ई आर एस, क्रीपर्स. अभी क्लाइंबर्स के मुझे एग्जाम्पल बताओ. क्लाइंबर में जो ऊपर चढ़ते हैं क्लाइंबर्स, यू कैन राइट ग्रेप. ठीक है, यू कैन राइट मनी प्लांट. You can also write green pea. Green pea भी climber है. And creepers which creep along the ground. तो we can write watermelon. W A T E R M E L O N, watermelon. And we can write G O U R D, gourd. ठीक है, watermelon and gourd. So you just have to write the name of different types of plants and their two examples. Now write this question. ये वाला जल्दी से आप लिखो, फिर मैं next one more question is there, वो वाला मैं कराऊं. I hope everyone has written. और अगर नहीं लिखा है तो you can always take a screenshot. ठीक है, तो इसको मैं अभी erase करने जा रही हूँ. I am going to erase this. And जो next question है that is from the book. That is from Hotz. ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हॉट्स का है. इसको भी मैं इरेज कर रही हूं. ओके, आई होप एवरीवन हैज रिटन, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. नाउ फिफ्थ इज नाउ चिल्ड्रन, हॉट्स देखो, देयर आर टू क्वेश्चन आंसर्स इन हॉट्स. ठीक है, हॉट्स में टू क्वेश्चन आंसर्स है. तो फर्स्ट वन इज नेम टू प्लांट्स यू प्रेफर टू कीप एट होम. इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आफ्टर वी कंप्लीट रिटन वर्क. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज, ये वाला मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाई शुड वी प्लांट, व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज. ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री क्यों प्लांट करना चाहिए, कौन बताएगा मुझे, वाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑक्सीजन. एंड ट्रीज मेक द एनवायरमेंट क्लीन, दे प्यूरिफाई द एयर. ठीक है, एयर को साफ रखते हैं, क्योंकि जो पॉइजनस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट गुड फॉर अस, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं. एंड ऑक्सीजन गैस विच वी रिक्वायर वो एक्सहेल करते हैं. ठीक है, सो व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज,
The answer is V S H O U L D. We should plant, P L A N T, plant more T R E E S trees, because they give us many things. They give us many things. They clean the air and they give us the most important, they give us the most important thing, oxygen, O-X-Y-G-E-N, oxygen, which we need to live. ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री क्यों प्लांट करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. अभी सब तो हम लिख नहीं सकते. दे गिव अस फूड, दे गिव अस फ्रूट्स, दे गिव अस फूड. हमने बहुत सारा जो भी पढ़ा प्लांट के जो यूजेस है, सो दे गिव अस सो मेनी थिंग्स. दे आर होम टू सो मेनी बर्ड्स, सो मेनी एनिमल्स. दे क्लीन द एयर. कैसे एयर को क्लीन करते हैं मैंने बताया. एंड दे गिव अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीजन, विच वी नीड टू लिव. सो चिल्ड्रन राइट दिस क्वेश्चन. नाउ रिटन वर्क इज ओवर. ठीक है, आफ्टर दैट वन मोर क्वेश्चन इज देयर दैट वी विल डिस्कस. ठीक है, इसको आप लिखो. वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन इन हॉट्स एंड लाइफ स्किल्स. ओके, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन. अगर नहीं भी लिखा है तो आई एम श्योर यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. सब ने ले लिया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन हॉट्स इज नेम टू प्लांट्स विच यू प्रेफर टू कीप एट होम. ठीक है, टू प्लांट्स के नाम बताओ जिसको कि आप घर में रखना चाहोगे. घर में के अंदर बहुत लोग हैं जो ऐसे प्लांट्स रखते हैं. एंड अभी स्पेशली जैसे ये कोरोना के टाइम से प्लांट्स की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज पीपल नाउ नो द इम्पोर्टेंस. बहुत सारे लोग थे जो इतना ध्यान पहले नहीं देते थे, बट अभी जैसे देखा कि कोरोना में लॉट ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. उनको हॉस्पिटल गए, तबीयत खराब हुई, देहा बिकॉज कोरोना वायरस हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है. लंग्स अफेक्टेड होने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, हॉस्पिटल गए, ऑक्सीजन नहीं मिला एंड दे लॉस देयर लाइफ. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल मैंने ब्लैक क्रोड ऑफ पीपल, बहुत लोग. ठीक है, तो उसके बाद से भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. तो देयर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे तो घर के अंदर नॉर्मली लोग जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं वो रखते हैं. कुछ एक प्लांट्स होते हैं जो कि एयर को जो प्यूरीफाई करते हैं, सो दे आर वेरी गुड. तो एक जैसे वन इज मनी प्लांट. घर के अंदर पीपल नॉर्मली प्रेफर टू कीप प्लांट्स जिसको कि हम कुछ दिन शेड में रख सके. घर के अंदर तो हर जगह धूप नहीं आती बहुत ज़्यादा, प्लांट्स नीड सनलाइट. तो अगर किसी प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है उसको हम घर के अंदर रख देंगे तो वो प्लांट खराब हो जाएगा. तो घर के अंदर हम कैसे प्लांट्स रखना रखते हैं नॉर्मली लोग जिसको कि बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं हो, विच कैन स्टे विदाउट सनलाइट ऑल्सो फॉर फ्यू डेज. तो जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट लुक्स ब्यूटिफुल, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर टू मच ऑफ केयर. उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इन द सेंस कि उसको हम कुछ दिन तक घर में रख सकते हैं एंड विदाउट सनलाइट भी वो ठीक रहता है. तो मनी प्लांट रखते हैं. आजकल एक स्नेक प्लांट होता है, उसकी लीव्स ऐसी लंबी लंबी सी होती हैं. ठीक है, उसमें ग्रीन येलो येलो से ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं जिसका कि कॉमन नेम है स्नेक प्लांट. ठीक है, उसकी सेंस लंबी लंबी सी लीव्स होती हैं. दैट प्लांट कहा जाता है कि वो बहुत ऑक्सीजन, मतलब दैट इज़ वेरी गुड घर के अंदर रखने के लिए, घर का एटमोसफियर क्लीन करता है. ठीक है, तो घर के अंदर हम ऐसे जैसे पाम का ट्री है, एरिका पाम वगैरह होता है. तो अगर क्वेश्चन है कि नेम टू प्लांट्स यू प्रेफर टू कीप एट होम, तो मैं लिखूंगी मनी प्लांट, एरिका पाम, आई विल राइट स्नेक प्लांट. इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या रखते हो घर में. ठीक है,
we know that a plant has life, discuss with your teacher. What do we say? Why do we say so? Now children, this question, this is life skill question. This question we will discuss in the next class. Isko discuss karke, then we will start with new chapter. This chapter is over, only life skill part is left. Isko hum discuss karke, next day class mein hum naya chapter start karenge. Okay, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.